हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पेशल स्टडी विद राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीत प्लस बी पीआरटी भर्ती परीक्षा पीआरटी एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बड़ी खबर है दोस्तों, डीत प्लस बी पीआरटी एडमिट कार्ड कब आएगा। साथ में जो मार्च मंथ में 8 नई एग्जाम होने वाली हैं डीत प्लस बी की द्वारा, उनका भी एडमिट कार्ड कब कब जारी किया जाएगा, फुल अपडेट इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाएगा आपके साथ। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। ऑल ओवर इंडिया लेवल से जो भी पीआरटी एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे, क्योंकि इनका एग्जाम 7 मार्च से चालू हो जाएगा, अभी तक इनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, तो क्या वजह है और इनकी ऑफिशियल अपडेट कब तक में आ जाएगी, पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप वीडियो के इन तक बने रहें, जिसमें पीआरटी एडमिट कार्ड के बारे में और 8 नई जो डीत प्लस बी एग्जाम होने जा रही है मार्च मंथ में, उनका भी एडमिट कार्ड कब कब जारी किया जाएगा, फुल अपडेट शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये है डीत प्लस बी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें आपको एडमिट कार्ड दिखाया जाएगा। यहाँ पे देख लें दोस्तों, जो मार्च मंथ में 2 एग्जामों का एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है, यहाँ पे देख लें, जिनका एग्जाम 4, 5 और 6 मार्च को होना था, जूनियर स्टेनो इंग्लिश के लिए जिनका पोस्ट कोड 23/21 और अहमद का जिनका 40/20 है, इनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और इनके एग्जाम यहाँ पे देख लें 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च को है। अब बचा दोस्तों 7 मार्च से जो भी इनकी एग्जाम है, जो मार्च मंथ में बची हुई इनका एडमिट कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे देख लें दोस्तों, जो मार्च मंथ 2022 में एग्जाम होना है पीआरटी का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, जिनका पोस्ट कोड 42/21 है, इनका जो पहला एग्जाम होने जा रहा है 3 सीटों पर होगा आपका एग्जाम, 7 मार्च 2022 को मंडे के दिन स्टार्ट हो जाएगा। आज है दोस्तों 2 मार्च, अभी इनमें से 5 दिन शेष रह गए इन एग्जामों को, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। लेकिन आपको काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं दोस्तों, कि इसका जो एडमिट कार्ड है आज या कल तक में जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोपहर के बाद ही जारी किया जाएगा जो भी एडमिट कार्ड है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट नहीं है, यदि है तो दोस्तों आपको हम बता दें कि डीत प्लस बी के ओनली केवल शाम टाइम ही केवल एडमिट कार्ड को जारी करता है। जो भी नोटिस होती है शाम को ही रिलीज की जाती है और रात के 10 बजे तक रिलीज की जाती है। तो आज से लेके कल के बीच में किसी दिन भी इनका एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। अब बाकी रही एग्जाम जो बची हुई हैं असिस्टेंट टीचर, और काफ़ी सारा क्वेरी भी आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे देख लें, जो प्राइमरी टीचर का एग्जाम होगा वो 7 मार्च को होगा, और जो आगे होने जा रहा है यहाँ पे देख लें 16 मार्च को भी होगा, और साथ में यहाँ पे देखते जाएं दोस्तों 23 मार्च, 24 मार्च और इनके अलावा 25, 26, 27 और 29, 30 मार्च को भी इनका एग्ज़ाम होगा। तो कमेंट बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, आप लोगों का क्या इनका जो एडमिट कार्ड है, तो आप लोगों का कमेंट बना ही रहता है कि क्या असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है मार्च मंथ में, उनका जो एडमिट कार्ड है सभी एक साथ जारी होंगे फिर, या अलग अलग डेट के अलग अलग आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनका जो भी एडमिट कार्ड है कल ही जारी कर दिया जाएगा, या फिर आज जारी कर सकता है, लेकिन एक ही साथ जारी करेगा सभी एग्जाम, चाहे वो 7 मार्च को आपका हो, चाहे आपका 23 मार्च का हो, या 29 मार्च या 30 मार्च, किसी दिन भी हो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का, उनका एक ही साथ जारी किया जाएगा। बाकी रही बात दोस्तों जो अन्य एग्जाम हैं, जो 8 को हैं, 13 को हैं, 16 को हैं, 20 को हैं, उनका भी इसी के साथ में जारी कर सकता है, और नहीं भी दोनों अलग अलग भी कर सकता है, फिर दोनों जितने भी 8 एग्जाम हैं एक साथ भी जारी कर सकता है। बाकी दोस्तों, यदि आप इन पोस्ट कोड से रिलेटिव रखते हैं, यदि इनमें फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, तो यहाँ पर नोट जरूर पढ़कर ही जाएं, और यदि आप इंस्ट्रक्शन पढ़कर नहीं जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीआरटी से रिलेटिव जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर से, वो पहले ही आपको अपलोड वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया गया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए तो हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं कि कितने इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं डीत प्लस बी के एग्जामों में, जितनी भी होती हैं साल भर में, सभी का इंस्ट्रक्शन यही रहता है आपका। जब एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा उसमें भी आपका साफ साफ उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है एग्ज़ाम सेंटर पर। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ भी दिखाए गए हैं, यहाँ पे देख लें, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आपके ईमेल एड्रेस पर आपका एसएमएस जारी किया जाएगा, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें आपका एग्जामिनेशन डेट टाइमिंग मेंशन की जाएगी उसी एडमिट कार्ड में। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही दोस्तों, जो कैंडिडेट कोविड-19 का सेफ्टी से
मेजर्स इंक्लूडिंग वियरिंग मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे उनको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। तो एक दो दिनों के लिए और वेट कर लें दोस्तों, क्योंकि इनका एडमिट कार्ड जारी ही कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटिव कोई भी क्वेरी अभी छूट गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए लेटेस्ट अपडेट के साथ।